In this video, we will be learning about the poem called Mystery of the Talking Fan of Class 7. Mystery of the Talking Fan का मतलब है एक बोलने वाला पंख का रहस्य. Is there a ceiling fan in the room where you're sitting now? क्या आपके घर रूम में जहां आप बैठे हैं वहां एक सीलिंग फैन है, छत वाला पंखा है? Is the fan quiet or noisy? क्या फैन बिना आवाज के चल रहा है या वो आवाज कर रहा है? If it is noisy, you may be sure it is a distant relative of the talking fan in the poem which you are going to read. अगर वो पंखा आवाज कर रहा है तो इसका मतलब वो उस बोलने वाले पंखे का कोई दूर का रिश्तेदार है जिस के बारे में आप कविता पढ़ने वाले हैं. ये एक लेखक ने एक मिस्ट्री ऑफ टॉकिंग फैन जो कविता लिखी है वो पंखा आवाज कर रहा है उसके बारे में लिखी है. आइए वो कविता पढ़ते हैं. वंस देयर वाज अ टॉकिंग फैन. एक बार एक बोलने वाला पंखा था. इलेक्ट्रिकल हिज चैटर. उसकी जो बोली थी वो इलेक्ट्रिकल थी. इलेक्ट्रिकल का मतलब है वो कुछ ऐसी आवाज कर रहा था जो लेखक को समझ नहीं आ रही थी, जैसे चूं या कट कट की आवाज या इस तरह की कोई आवाज कर रहा था क्योंकि उस पंखे में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. आई कुड नॉट क्वाइट हियर व्हाट ही सेड. मैं समझ नहीं सका कि क्या उसने बोला. लेखक कहता है कि मैं समझ नहीं सका कि उस पंखे ने क्या बोला है. एंड आई होप इट डज नॉट मैटर. और मैं आशा करता हूँ कि उससे ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता. बिकॉज वन डे somebody oiled his little whirling motor. एक दिन किसी ने उसकी जो घुमाने वाली मोटर है, पंखे को जो मोटर घुमाती है, उस मोटर को ऑयल किया, यानी उस पर ग्रीसिंग किया ताकि वो आराम से चले. एंड ऑल द मिस्ट्री वॉज स्पॉइल्ड. जिसकी वजह से जो पंखे के बोलने का रहस्य था वो खत्म हो गया, स्पॉइल हो गया. यानी अब वो पंखा आराम से चल रहा था, इसमें कोई आवाज नहीं आ रही थी. ही रैन एज स्टिल एज वाटर. यानी वो पंखा बिल्कुल एक शांत पानी की तरह चल रहा था. इस तरह से पानी शांत रहता है उस तरह से. तो ये पोएम के जो ऑथर हैं वो हैं मॉड रूबिन. आई होप ये पोएम आपको अच्छे से समझ आ गई हो. नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे. थैंक यू.